देखिए बाइसोस्कोप देख रहे हैं आप और मैं शशांक। हमारे साथ विधायक अंबा प्रसाद हैं। कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं जो अभी इस टाइम राजनीति में चल रहे हैं, उन सब चीज़ों पे हम आज इनसे बात करेंगे। मैम, बहुत दिन बाद हजारीबाग लौटी हैं, काफ़ी संख्या में लोग मिलने आ रहे हैं। जी, लोग हमेशा ही आते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पे, हमेशा ही मेरे क्षेत्र से, हजारीबाग से, रामगढ़ से, आसपास के जिलों से कई लोग मिलने आते हैं, अपनी समस्याओं को लेने आते हैं। अभी जो आए हैं ये भी मेरे क्षेत्र की नहीं है, लेकिन मतलब जो लोग घर आ गए तो समझिए कि आपके घर के परिवार के सदस्य हैं। कुछ दिनों से दिल्ली में थे और नाराज़गी थी अपने ही लोगों से, क्या कुछ वार्ता हुई है, क्या कुछ आश्वासन मिला है? देखिए, अब हमको लगता है पुरानी बात हो चुकी है, अब इसको रोज यही चीज़ हम लोग से सवाल किया जाता है, तो हम लोग भी कितना बार एक ही चीज़ को बार बार बोलते रहेंगे। आप लोग तो जानते ही हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ों को हम लोग आपके तक रखे, कभी भी किसी भी चीज़ से आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन से आप लोग दूर नहीं रहे। और अभी तो हम लोग आ गए हैं वापस और हमारी बातों को बहुत गंभीरतापूर्वक सुना गया है और उन सब चीज़ों पे पहल भी करने का आश्वासन दिया गया है और हम लोग अपने काम में लग गए हैं। हमारे क्षेत्र में हम लोग अपने अपने जो संकल्प के साथ हमेशा रहते हैं। एक चीज़ जो हजारीबाग में इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय है कि अगले लोकसभा चुनाव में अंबा प्रसाद लोकसभा उम्मीदवार कांग्रेस से बनाई जा सकती है, कितनी सच्चाई है? देखिए, हम पहले तो बता नहीं सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों पे समय व्यर्थ करना, बर्बाद करना मुझे लगता है सही नहीं है। अगर कुछ ऐसा चीज़ होगा, कोई ऐसी लड़ाई लड़नी होगी, कोई ऐसी जिम्मेदारी मिलेगी, तो हम लोग हर चीज़ के लिए तैयार हैं, हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं और अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, क्षेत्र में आसपास सब लोग सोच रहे हैं, उसी तरह से देख रहे हैं, हर जगह इनविटेशन भी आ रहा है, जाना भी पड़ रहा है। पर मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं अपने आप को कैंडिडेट के तौर पे देख रही हूँ, मैं हर जगह जा रही हूँ क्योंकि लोग बुला रहे हैं और लोगों का बात रखना, मतलब हम लोगों की भावनाओं के साथ खड़े रहते हैं, बहुत प्रेम से बुलाते हैं लोग, तो उनको मना नहीं कर सकते। आप कुछ दिनों से लगातार राजनीति में हैं, इससे पहले आपका परिवार राजनीति में था, राजनीति को अच्छे से जानती हैं आप, और ऐसा नहीं लगता कि जब भी लोकसभा चुनाव हजारीबाग में हुआ है सामने से विपक्ष मजबूत नहीं रहा है और अंबा प्रसाद एक मजबूत विपक्ष के साथ आ सकती है? ये मैं खुद से ये सब बोल नहीं सकती। देखिए, ये लोगों का प्यार है, डेफिनेटली मुझे बहुत प्यार मिला है, मुझे पूरे झारखंड में हर जगह प्यार मिला है, लोग मुझे सिर्फ अपने क्षेत्र के दायरे तक नहीं रखते हैं, समझते हैं। मुझे कभी गढ़वा बुलाया जाता है तो कभी रांची बुलाया जाता है, रांची में इतने सारे इन्विटेशंस होते हैं, सब जगह जा नहीं पाते, मना करते हुए दुख होता है, लेकिन कई इन्विटेशंस मतलब हम लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो प्यार हमको मिल रहा है राजनीति में आने के बाद, निश्चित रूप से ये मेरा मोटिवेशन है, ये मेरी शक्ति है, मुझे ये बिल्कुल एहसास दिलाता है कि लोगों का विश्वास, लोगों का एक एक्सपेक्टेशन जो मेरे प्रति है वो मैं भली भांति समझती हूँ और उस पर खरा उतरने के लिए हर संभव कोशिश करती हूँ कि किसी का भी बात को सिर्फ सुनूँ नहीं, उनके भावनाओं को भी समझने का कोशिश करते हैं। सिर्फ सिंपथी नहीं रहता, एम्पथी भी रहता है। लोग जिस परेशानी के साथ वो खड़े हैं मेरे सामने, उनको हम अपने आप को उस जगह पे इमेजिन करके हम खुद ही मतलब इन चीज़ों को अपनी समस्या समझ के आगे बढ़ते हैं उनके साथ।